सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप स्वप्न में खुद को रोता हुआ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर एक स्वप्न का अर्थ होता है। अगर आपको अच्छे स्वप्न आता है तो इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बुरे आते हैं तो इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई कबार इसका फल उल्टा होता है, इसके संकेत उल्टे होते हैं। जब इंसान थका हारा अपने घर पे आता है, चैन की नींद लेता है, कई कबार अजीब से स्वप्न आते हैं तो सोच में हम पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। ज्योतिष शास्त्र में और स्वप्न शास्त्र में हर एक स्वप्न का अर्थ बताया गया है। अगर आप स्वप्न में खुद को रोता हुआ देखें तो ये शुभ संकेत है, ये सूचक है कि भविष्य में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जो भी आपके मौजूदा हालात है वो बदलने वाले हैं और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये दीर्घायु होने का भी संकेत देता है कि आप दीर्घायु होंगे। तो अगर आप स्वप्न में खुद को रोता हुआ कभी भी देखें तो इसका अर्थ ये होता है। लेकिन अगर आप स्वप्न में किसी और को रोता हुआ देखें तो इसका अर्थ अशुभ होता है। इसका अर्थ है कि भविष्य के निकट के समय में आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे आपको शायद नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत। तो स्वप्न में रोते हुए देखना, इसके स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सारे मतलब बताए जाते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।